हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। मैं शेख सर, एकलव्य विद्या निकेतन सावरगांव की ओर से आप सबका ऑनलाइन वीडियो क्लासेस में स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास सेकंड स्टैंडर्ड का थर्ड लेसन, जिसका नेम है कंप्यूटर एंड मैन। अब कंप्यूटर और मैन, इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो अब हमें जानना है। तो जैसे देखिए, आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा है चैप्टर नेम कंप्यूटर एंड मैन। तो देखिए, हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले व्हाट कंप्यूटर कैन डू, मींस कंप्यूटर क्या कर सकता है, और उसके साथ साथ पढ़ेंगे व्हाट कंप्यूटर कैन नॉट डू, मींस कंप्यूटर क्या नहीं कर सकता। तो इसके लिए बेटर अंडरस्टैंडिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे बुक में एक कंप्यूटर और आर्यन दोनों का हम कॉम्पिटिशन करते हैं कि आर्यन क्या कर सकता है और कंप्यूटर क्या कर सकता है। तो देखिए, आर्यन एंड हिज लैपटॉप कंप्यूटर आर आर्गुइंग टू प्रूव देमसेल्फ बेटर देन द अदर। अब आर्यन और उसका लैपटॉप दोनों मिलके क्या करते हैं, एक कॉम्पिटिशन करते हैं कि कौन ज़्यादा बेटर है, मैं बेटर हूँ या आप बेटर हो। तो देखते देखिए, आर्यन एंड हिज लैपटॉप कंप्यूटर आर आर्गुइंग टू प्रूव देमसेल्फ बेटर देन द अदर, लेट अस फाइंड आउट हु इज बेटर। अब दोनों में क्या आर्ग्यू चल रहा है कि मैं बेटर हूँ। आर्यन कहता है कि मैं अच्छा हूँ, और उसके साथ उसका लैपटॉप कहता है कि मैं अच्छा हूँ। तो अब दोनों का आर्ग्यू चल रहा है, तो आर्ग्यू को सॉल्व करने के लिए अब देखते हैं कि आर्यन कंप्यूटर क्या कर सकता है और कंप्यूटर क्या नहीं कर सकता है। तो बनी रहिए मेरे साथ। तो देखिए, हमारा पार्ट है व्हाट कंप्यूटर कैन डू, मीन्स अब कंप्यूटर क्या कर सकता है वो अब हम देखेंगे। तो देखिए, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है व्हाट कंप्यूटर कैन डू, कंप्यूटर क्या कर सकता है। देखिए, आई नेवर फॉरगेट थिंग्स, आई कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन, मीन्स कंप्यूटर में लार्ज अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन स्टोर होता है बट मेन में नहीं होता। कंप्यूटर कभी अपना वर्क करके टायर्ड नहीं होता है, बस एज कंप्यूटर टू आर्यन अपना गेम खेल के बोर हो जाता है। कंप्यूटर में कैलकुलेशन बहुत फास्ट होता है बट आर्यन कैलकुलेशन रॉन्ग कर सकता है। कंप्यूटर में कोई मिस्टेक नहीं होती है कैलकुलेशन करने में, और आर्यन क्या कर सकता है, कभी कभी कैलकुलेशन करने में मिस्टेक कर सकता है। जैसे आर्यन कह रहा है, ओ आई सॉल्व द सम रॉन्ग, मीन्स कैसा है, अगर हम कुछ गलत चीज़ करते हैं तो हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर्स हमें किस तरह से डांटते हैं, सेम उसी तरह से कंप्यूटर ये सब चीज़ें कर सकता है। कंप्यूटर क्या क्या कर सकता है, कंप्यूटर बहुत सारा इन्फॉर्मेशन स्टोर करके रख सकता है बट हम बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन स्टोर करके नहीं रख सकते। कंप्यूटर बहुत सम सॉल्व कर सकता है, हम सम सॉल्व कर सकते हैं बट मिस्टेक्स हो सकती है हमारे हाथों से। कंप्यूटर अपना वर्क करके कभी टायर्ड नहीं होता है, कभी बोर नहीं होता है बट हम एक गेम खेलने के बाद में या पढ़ाई करने के बाद में थोड़ा सा बोर हो जाते हैं बट कंप्यूटर बोर नहीं होता। तो देखिए, कंप्यूटर क्या क्या कर सकता है। कंप्यूटर आई नेवर फॉरगेट थिंग्स, आई कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन, कंप्यूटर में लार्ज अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन स्टोर रहती है बट आर्यन ओ आई फॉरगेट थिंग्स, आर्यन क्या है, कुछ को थिंग्स मीन्स वो इन्फॉर्मेशन भूल जाता है। उसके बाद कंप्यूटर लैपटॉप कहता है आई नेवर गेट टायर्ड ऑन बोर्ड ऑफ एवरीथिंग, मीन्स मैं कोई भी काम करूँ तो मैं बोर नहीं होता हूँ। आर्यन कहता है आई एम सो टायर्ड एंड बोर ऑफ दिस गेम, मीन्स गेम खेल खेल के आर्यन बहुत थक चुका है, बहुत बोर हो गया है। उसके बाद में लैपटॉप कहता है आई डू कैलकुलेशन वेरी फास्ट, लैपटॉप कहता है मैं कैलकुलेशन बहुत फास्ट करता हूँ बट आर्यन कहता है ओह आई कैन नॉट वर्क सो फास्ट, आर्यन अपना वर्क फास्ट नहीं कर सकता है। उसके बाद लैपटॉप कहता है हरी आई नेवर मेक मिस्टेक, मीन्स कंप्यूटर में मिस्टेक नहीं होती है बट आर्यन ओ आई सॉल्व द सम रॉन्ग, मीन्स अगर आर्यन ने सम सॉल्व किया तो वो रॉन्ग हो सकता है। ठीक है, अब हमें देखना है कि कंप्यूटर क्या नहीं कर सकता। अभी तक हमने देखा कि कंप्यूटर क्या क्या कर सकता है, अब हमें देखना है कि कंप्यूटर क्या नहीं कर सकता। तो देखिए, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है व्हाट कंप्यूटर्स कैन नॉट डू, मीन्स कंप्यूटर क्या नहीं कर सकता।
आई हैव इमोशंस, आई लव माई मम्मी एंड पापा। आर्यन कहता है कि मेरे पास में इमोशन है, पर कंप्यूटर लैपटॉप के पास में क्या नहीं। आर्यन कहता है आई कैन थिंक एंड टेक डिसीजन। कंप्यूटर आर्यन क्या कहता है, मैं डिसीजन ले सकता हूँ, मेरे उसमें आइडिया है, बट कंप्यूटर क्या कहता है, मैं डिसीजन नहीं ले सकता। आर्यन कहता है कि मैं इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंडेड नहीं हूँ, बट लैपटॉप ये बैटरी से चार्ज होता है तो इलेक्ट्रिसिटी पे वो डिपेंडेंट है। उसके बाद में आर्यन कहता है कि मुझे काम करने के लिए कोई इंस्ट्रक्शन नहीं लगती है, बट लैपटॉप को काम करने के लिए क्या लगता है, इंस्ट्रक्शन लगता है। अ कंप्यूटर इज मेड बाय अस एंड इज डिपेंड ऑन अस, इट कैन नॉट एवन स्टार्ट वर्क विदाउट आवर इंस्ट्रक्शन, बट व्हेन वी यूज कंप्यूटर फॉर आवर वर्क द कंप्यूटर वर्क बेटर देन अस, इज नॉट इंटरेस्टिंग। अब क्या है, हमने देखा कि कंप्यूटर क्या नहीं कर सकता। जो जैसे देखिए कंप्यूटर्स के पास में क्या है, इमोशंस नहीं है, फीलिंग्स नहीं है। हम लोग फोटो देखते हैं तो हम कैसा फोटो को फील कर सकते हैं, उसके गहराई में जा सकते हैं, बट कंप्यूटर ऐसा कर सकता है क्या, नहीं कर सकता कंप्यूटर। उसके बाद में हम लोग कुछ ना कुछ आए दिन कुछ ना कुछ नया सोच सकते हैं, कुछ नया आइडिया निकाल सकते हैं, हम आज को आज हमें इस तरह से पढ़ाई करना हमें सोच सकते हैं, बट कंप्यूटर ऐसा आइडिया कर सकता है क्या, नहीं। उसके बाद में हम क्या करते हैं कि लाइक यू आई डू नॉट डिपेंड ऑन इलेक्ट्रिसिटी और बैटरी टू वर्क, आई वर्क ऑन माय ओन। मींस हमें क्या है, हम कंप्यूटर की तरह बैटरी पे नहीं चलते, हम हमारा खुद का पावर खुद जनरेट करते हैं, बट कंप्यूटर को इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, उसको बैटरी चाहिए। उसी के साथ साथ हम बिना इंस्ट्रक्शन के भी काम कर सकते हैं, बट कंप्यूटर बिना इंस्ट्रक्शन के काम कर सकता है क्या, नहीं। तो बच्चों आप सबको ये अच्छे से चैप्टर समझ गया। हमने इस चैप्टर में देखा कि कंप्यूटर क्या कर सकता है, व्हाट कंप्यूटर कैन डू और व्हाट कंप्यूटर कैन नॉट डू, मीन्स कंप्यूटर क्या नहीं कर सकता, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पोर्शन हमारा है एक्सरसाइज पोर्शन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, टिक द करेक्ट आंसर एंड फिलिंग द ब्लैंक्स। हमें क्या करना है, क्वेश्चन दिया है उसके आंसर हमें सॉल्व करना है। फर्स्ट देखिए, फिलिंग द ब्लैंक्स, वी स्टोर अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। अब लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन किस में स्टोर होती है, कंप्यूटर है और मेन किस में स्टोर होता है, कंप्यूटर में। उसके बाद फिलिंग द ब्लैंक्स हैव फीलिंग्स, किसे फीलिंग्स है, कंप्यूटर को फीलिंग है या हमें फीलिंग है, हमें, मीन्स वी हैव फीलिंग्स। देन थर्ड, फिलिंग द ब्लैंक्स डज कैलकुलेशन वेरी फास्ट, कंप्यूटर में कैलकुलेशन वेरी फास्ट होता है। देखिए हम इसे सबमिट करते हैं और हमारे पूरे आंसर्स क्या है, राइट है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राइट टी फॉर ट्रू और एफ फॉर फॉल्स। जो सही है उसके लिए ट्रू यूज करना है और जो फॉल्स है उसके लिए यफ यूज करना है। तो देखिए फर्स्ट, अ कंप्यूटर इज अ मैन मेड मशीन, कंप्यूटर कौन सी मशीन है, मैन मेड मशीन है, इट्स अ ट्रू। सेकेंड, अ कंप्यूटर वर्क फास्टर देन मैन, मीन्स कंप्यूटर इंसान से ज्यादा फास्ट है। नेक्स्ट, वी कैन फॉरगेट थिंग्स, बराबर है, हम लोग भूल जाते हैं कुछ कुछ चीजें। उसके बाद आता है वी वर्क ऑन बैटरी, अब हम बैटरी पे काम कर सकते हैं क्या, नहीं, हम तो हमारा ओन पावर पे काम करते हैं, बैटरी पे काम कौन करता है, कंप्यूटर करता है, ठीक है। तो चलिए ये भी आंसर सबमिट करते हैं, देखिए हमारे पूरे आंसर क्या है, राइट है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलर द बलून्स दैट मेंशन What computers cannot do? अब हमारे सामने 5 balloons दिए, कितने balloons है, 5 balloons। अब 5 balloons में हमें क्या करना है, कलर करना है, तो किसे कलर करना है, कि कंप्यूटर क्या नहीं कर सकता, मीन्स कैन नॉट डू, कंप्यूटर क्या नहीं कर सकता, इन चीजों को हमें क्या करना है, कलर करना है। तो देखिए जैसे अब मेरे पास में ब्रश है, ब्रश को मैंने पेंट बॉक्स में डुबाया, ठीक है। तो देखिए, टेक डिसीजन, कंप्यूटर खुद का डिसीजन ले सकता है क्या, नहीं, तो इसको कलर कर दिया हमने। वर्क फिर फास्ट, कंप्यूटर में वर्क फास्ट होता है। गेट टायर्ड, कंप्यूटर थकता है क्या, नहीं।
कैन थिंक, कंप्यूटर थिंक कर सकता है, कुछ सोच सकता है? नहीं सोच सकता वो। वर्क विदाउट इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर विदाउट इंस्ट्रक्शन काम कर सकता है, काम कर सकता है क्या? नहीं। ठीक है, तो देखिए हमने 3 बलून्स को कलर कर दिया, 2 बलून्स को नहीं किया। चलिए आंसर देखते हैं क्या है। देखिए हमने जो जो बलून्स को कलर किया है वो सब आंसर क्या है? राइट है। आपको भी बेटा इसी तरह से हर क्वेश्चन का आंसर अच्छे से समझ के आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट आगे के पोर्शन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आंसर दिस क्वेश्चन। अब हमारे सामने हमें 2 क्वेश्चन दिए जिसके आंसर हमें लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन है राइट एनी वन थिंग्स दैट कंप्यूटर डू बेटर देन अस। इसका आंसर आपको ढूंढ के लिखना है बेटा। उसी के साथ सेकंड है राइट एनी वन थिंग्स दैट मैन कैन डू बट कंप्यूटर कैन नॉट। मीन्स ऐसी एक थिंग्स जो कंप्यूटर, जो इंसान कर सकता है बट कंप्यूटर नहीं कर सकता है। तो बेटा ये सब चीजें आपको, ये आंसर आपको ढूंढना है। ठीक है, चलिए आशा करता हूं मैं कि आपको हमारा वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में हमारा वीडियो शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। ठीक है, हम इसी तरह से आपके लिए नए नए वीडियोस लेकर आते हैं। मेरा नाम है शेख सर, हमारा चैनल का नेम है बी द बेस्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। हम इसी तरह से आपके लिए नए नए चैप्टर्स, नए नए थिंग्स लेकर आते हैं जिससे बच्चों को भी इंटरेस्ट आता है और हमें भी इंटरेस्ट आता है। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।